हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड गौरव एंड यू आर हियर ऑन वॉटरिंग निंजा। तो अब शुरू होता है डे टू। होटल से चेकआउट कर रहे हैं हम और हम जा रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। ये रही कार, इसी में ट्रैवल करने वाले हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं, 11:30 बज गए हैं ऑलरेडी। कल रात को रूम तक पहुँचते पहुँचते 3:10 हो गए थे, की वजह से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट नीडेड था क्योंकि शिवखोड़ी में भी चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ट्रिप टू शिवखोड़ी यहाँ कटरा से। ये रास्ते में नज़ारे देखो, अभी तो रोड काफ़ी अच्छा बन गया है। कटरा से शिवखोड़ी का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है। एक्चुअली थोड़ा सा कम ही है, 77-78 किलोमीटर के करीब है। और लास्ट टाइम में जब शिवखोड़ी आया था वो ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले आया था, और उस टाइम पे रोड काफ़ी ख़राब था। बट अभी रोड बहुत अच्छा हो गया है, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हमें लगने वाले हैं नहीं पहुँचने में। अभी हम 20 किलोमीटर अप्रॉक्स या उससे ज़्यादा ही हम लोग आ गए हैं कटरा से, और अभी तक जो रास्ता मिला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी आगे का देखते हैं कैसा रास्ता आता है, बट अभी तक का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वो जो हमें वो रिवर दिख रही है वो चिनाब रिवर है, विच इज़ अमंग्स दी 5 मेजर रिवर्स ऑफ पंजाब। इसका ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो दोस्तों ये है चिनाब रिवर। पानी देखो अभी काफ़ी है। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना तो हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग नहाए थे, और उसमें काफ़ी कम पानी था। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी है। उस समय तो इतना कम पानी था कि अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके मैं क्रॉस भी कर सकता था, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें। यहाँ देखो, यहाँ पे फ्लो दिख रहा है इसका। एक्चुअली ये हमारे साइड वाले पंजाब से नहीं जाती है। पाकिस्तान बनने से पहले जो अनडिवाइडेड पंजाब था उसकी मेजर जो 5 रिवर हैं उसमें चिनाब नदी का भी नाम है, जिसके और जो पंजाब का जो नाम है वो खुद 5 जो रिवर्स हैं, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास है, उसी के नाम पर पड़ा है। और चिनाब जो है इसका जो वैदिक नेम है वो है अक्सिनी, या जिसको चंद्रभागा बोलते हैं। और चंद्रभागा जो नाम है वो पड़ा है, एक्चुअली चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं जिनसे मिलकर के हमारी चिनाब नदी बनती है, तो उससे इसका नाम जो वैदिक नेम है वो चंद्रभागा भी है। और एक और चीज़ चिनाब नदी के बारे में इंटरेस्टिंग बात जो है वो है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेल ब्रिज है हमारा चिनाब रिवर पर ही बन रहा है, और उसको इंडियन रेलवे ही बना रहा है। और जो जो हमारा बन रहा है यहाँ से जो उधमपुर, श्रीनगर और बनिहाल वाली जो रेलवे लाइन है उस पर जा कर के वो बन रहा है, और चिनाब रिवर पर ही बन रहा है, जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 359 मीटर्स है। और वो बनने के बाद हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज होने वाला है। तो इस बात पर एक जय तो बनता है हमारा इंडियन रेलवे और उसके इंजीनियर्स के लिए भी। ये देखो, यहाँ नहाया था मैं लास्ट टाइम, नदी के किनारे बैठा हुआ। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना यहाँ का, परफेक्ट। एक्चुअली ना मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई है, तो मैं अच्छे से वीडियो बहुत क्लोज से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ब्रिज के ऊपर ही गन्ने का जूस मिल रहा है, तो अभी जस्ट गन्ने का जूस पीते हैं और फटाफट से निकलते हैं। काफ़ी थकान हो रही है, तो हल्का सा थोड़ा सा कुछ चाहिए पेट में जाने के लिए। मुझे ये ब्रिज भी काफ़ी पसंद आया, इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सामने एकदम पहाड़ देखो ब्रिज के एकदम एंडिंग में। ऐसा लग रहा है जैसे रोड जो है वो पहाड़ के अंदर ही एंटर कर रहा है। ये देखो, ये रिवर जो है वो यहाँ पर 2 पार्ट में है, बीच में एक लैंड एरिया भी है, और इस तरफ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो रही है। नज़ारे देखो यार, रास्ते भर ना पूरा रास्ते में बस ग्रीनरी ग्रीनरी मिली है। इस पार्ट में कभी भी स्नोफॉल नहीं होता है, और लेकिन बारिश काफ़ी अच्छी होती है। तो ये पूरा रास्ता थ्रू आउट कटरा से लेकर के यहाँ हमको पूरा एकदम एंड तक शिवखोड़ी तक पूरा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है। काफ़ी ऊँचे ऊँचे यहाँ पर पहाड़ हैं और पूरा रास्ता इस तरह का ही है, पूरा ग्रीन फैली हुई है जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं। और क्या ये वही है जो मुझे लग रहा है,
जानकार लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। अब जितना हम पास पहुंचते जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा छोटा और ख़राब होता जा रहा है। एक्चुअली हम नेशनल हाईवे से थोड़ा सा हट गए हैं, अब हम शिवखोड़ी मेन मंदिर की तरफ हम लोगों ने मुड़ गए हैं। तो ये रास्ता जो है वो सिंगल है, सिंगल लेन रोड है और ख़राब है थोड़ा सा। एक्चुअली काम चल रहा है तो ये भी शायद स्क्रैच जो है थोड़ा सा ये जल्दी बन जाएगा, आई होप। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं शिवखोड़ी। यहाँ पे रास्ते पर काफ़ी सारे बाइक राइडर्स भी हमको देखने को मिले, हिमालयन एक्सप्रेस, रॉयल एनफील्ड और भी बहुत सारी बाइक्स रास्ते पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर लोग बाइक से भी आ रहे हैं काफ़ी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए यहाँ पर, ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले गाड़ी रोकनी पड़ी और अब हम यहाँ से आगे पैदल ट्रैवल करेंगे। 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास हमें कटरा से यहाँ तक बाय रोड मिल रुके लगे हैं, जबकि जिसमें हम रास्ते में कई बार रुके भी हैं, तो रोड काफ़ी अच्छा था इसका मतलब। अब हम यहाँ से आगे लेने वाले हैं घोड़ा खच्चर वगैरह, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं वैसे घोड़े पर बैठ कर के ट्रैकिंग कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शिवखोड़ी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो पूरा वीडियो था ये तो पूरा हमारा कटरा से शिवखोड़ी का जो रास्ता था उसी को दिखाने में निकल गया। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको शिवखोड़ी के बारे में देखूंगा, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। क्या बोलते हैं सर? छोले कुलचे सर। छोले कुल चना पाव, ये है चना पाव। बहुत बढ़िया होता है जब भी कटरा में और यहाँ पर ना, मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है ये। ये लो सर, ये भैया ने बड़ा अच्छा सा बनाया है, मेरे को लग रहा है देख के लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया बना है। ये 20 रुपये का एक है। तो थोड़ी फूड ब्लॉगिंग भी कर ली जाए, आप जब भी इस तरफ हो, कटरा वैष्णो देवी साइड के एरिया में हो, तो आपको ये यहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है, तो आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम उस पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये ब्रिज के नीचे से नदी जा रही है, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और अब हम यहाँ से जल्दी से घोड़े करने वाले हैं और फटाफट से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अभी 3 बज चुके हैं और शाम को 9 बजे के करीब ट्रेन है, तो इसलिए यहाँ से जल्दी से ट्रैक करके निकलना पड़ेगा हमें कटरा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रैक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।